नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पोहा का कुरकुरा पकोड़ा। इसमें हम पहले सबसे पहले एक कटोरी पोहा लेंगे, उसके बाद में हम कुछ थोड़ा सा एक कटोरी दही रखेंगे। साथ में 5 चम्मच बेसन लिया है हमने बाइंडिंग के लिए, एक कटोरी प्याज चॉपिंग की हुई, एक आलू मीडियम साइज का हमने कद्दूकस किया हुआ है और इसको हमने पानी में धो लिया है। अब इसके बाद हम चौक 1 चम्मच अदरक लिया है, आप लहसुन भी डाल सकते हैं। अच्छे से धोएंगे, अच्छे से धोने के बाद में पोहा हमने एक बाउल में ले लिया है और इसमें अब हम 4 से 5 चम्मच दही डालेंगे। दही से एक अलग तरह का टेस्ट आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा दही के बाद में। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से इसको हम फैट देंगे जिससे दही पूरी तरह पोहा में मिक्स हो जाए। क्या मैं ले रही हो? मुझे ले, तुम बोल चुके थे। पानी पानी डालने का फिर चला देंगे इसको अच्छे से, थोड़ा सा और डालेंगे। देख लीजिए पेस्ट थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है हमें इसको। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, प्लेट से ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और आप देखिए पोहा ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और साथ में दही भी अंदर तक चली गई है पोहा के, जिससे कि अब पोहा के हर कोने में दही का टेस्ट आपको मिलेगा। अब इसमें हम सब मिक्स कर देंगे, प्याज डाल दी, आलू भी डाल देते हैं इसमें, ये लहसुन अदरक पिसा बेसन। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा अमचूर, दो स्पून धनिया पिसा हुआ, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, वन फोर्थ हल्दी और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हींग, ये भी हम 1/4 के आसपास ले लेंगे। ये लहसुन अदरक और प्याज का मिक्सर है सूखा हुआ, इसको हम डालेंगे थोड़ा सा। अब इसको हम सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, अब इसको हमको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे मसाला सभी जगह मिल जाए। ये मिक्सचर थोड़ा टाइट ही रहेगा, अगर ज़्यादा टाइट रहे तो हल्का सा इसमें हम पानी मिला सकते हैं या दही डाल सकते हैं, लेकिन रखना टाइट ही है इसको। ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे पानी की, अभी आप देख रहे हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसके हम लड्डू बना सकते हैं। लड्डू जैसा
और इसको हम इस तरीके से देख लेंगे, अगर ये सेट हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी डालने की। ये देखिए पूरी तरह सेट हो गया है, ये तो इसमें हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है अभी, ये मिक्सर से हो गया। अब इसमें हम एक काम और करेंगे, इसमें लगाएंगे हम तेल का सरसों का तड़का, सरसों साबुत सरसों। दोस्तों हमने लिया है ये 2 चम्मच छोटी सरसों का तेल और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों। इसको हम भरने तक रखेंगे। इसको भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। देखिए तड़का हमारा कितना अच्छा तड़का लगा, एकदम से बढ़िया लगा। हम एक हरी मिर्च काटेंगे टेस्ट के अनुसार, आप 1 या 2 जो भी आपको जैसा भी जितना स्पाइसी चाहिए उसके अनुसार आप गेर सकते हैं इसके अंदर। ध्यान रखना बेसन ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बेसन का टेस्ट नहीं आना चाहिए इसके अंदर। बेसन का टेस्ट आएगा तो फिर नॉर्मल पकौड़ी जैसा टेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम 4 से 5 चम्मच ही डालना है बेसन। बेसन एक छोटी कढ़ाई में रिफाइंड लिया है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे छोटी छोटी पकौड़ी बना के। आप इनको गोल भी कर सकते हैं और बड़ी टाइप में भी डाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, टेस्ट दोनों में सेम ही आएगा। डाल के हमें चलाना नहीं है, पहले हम सभी को इसके अंदर छोटे छोटे बना के पकौड़े डाल देंगे, उसके बाद में 5 मिनट के आसपास इसको हम चलाएंगे। ये देखिए आप कैसे इसमें डाल रहे हैं, अभी हिलाना भी नहीं है इनको, बस दाल को छोड़ना है। अब इनको हम हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट तक ऐसे रहने देंगे, उसके बाद इनको एक बार पलटेंगे। अब हमको 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये हल्का हल्का ब्राउन आपको दिखने लगे हैं, तो अब इनको हम चला देंगे। एक एक करके सभी को हम इनको अब पलट देंगे, जिससे कि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सिक जाए। अब इसको इधर से भी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब ये लगभग हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। अब देखिए एकदम बिल्कुल क्रंची बना है, अभी दिखाएंगे हम आपको इसको, तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। निकाल लेंगे प्लेट में, ये क्रंची बन गए अच्छे से। ओके, टेस्टी पकौड़े बन के तैयार हैं और हम इनको अब सर्व कर सकते हैं ग्रीन सॉस के साथ में या
टमाटो सॉस के साथ में, या एक स्पेशल सॉस मैं आपको बताता हूँ, बटर और लहसुन की सॉस के साथ में। वो कैसे बनेगी मैं उसका भी आपको बता देता हूँ साथ में। इसमें हमने 2 से 3 चम्मच अमूल का बटर लिया है, और ये देखेंगे रेड चिली ढेचा, यानी कि ये लाल मिर्च और लहसुन की चटनी है, और ये हमारा टमाटो सॉस है। इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। इसमें मैंने 1/2 चम्मच लहसुन और लाल मिर्च की चटनी ली है, और 2 चम्मच रेड सॉस टमाटो की ली है। अब इसको हम अच्छे से फेंटेंगे, ये मेल्ट हो जाएगा बटर जो इसका, तो ये लिक्विड हो जाएगा इसका भी उसके बाद में, तो ये पूरी तरह मिक्स हो जाएगा अगर हम इसको इतने चलाते रहेंगे। अभी मैं ये फ्रिज से निकाला था बटर, इसलिए थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन अभी ये धीरे 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 मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करना, हल्का सा इसमें नमक भी डाल लेना, क्योंकि नमक कम लगेगा आपको पकौड़ों के साथ में। और इसमें हरा धनिया मिला सकते हैं, अगर अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास इसलिए मैंने मिलाया नहीं है, लेकिन हरा धनिया भी मिलाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हमारे तैयार हैं, अब हम इसको खाएंगे बटर की सॉस के साथ। अब देखो बटर की सॉस का रेसिपी मैंने बताई है, इसमें आगे देखिएगा लास्ट में बताऊंगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची बने हैं, आप देखेंगे तो ये देखिए काफ़ी क्रंची हैं, आवाज़ तक आ रही है कचर कचर की।